हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएल। अभी हम देखेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक रेयर ऑर्चिड फाउंड बियरिंग सीड्स आफ्टर द 118 इयर्स इन द यूपी दुधवा रिजर्व में। सो ये जो टॉपिक है इंपोर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी। सो चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स में देखेंगे। सो बेसिकली ये जो है एक क्रिटिकली जो कि एंडेंजर्ड है रेयर ऑर्चिड फाउंड बियरिंग द सीड्स आफ्टर द 118 ईयर्स इन द यूपी दुधवा जो कि रिजर्व में। सो ये जो ऑर्चिड है ये आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। आईयूसीएन क्या है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। सो ऑलमोस्ट 118 ईयर्स के बाद ये जो है रीडिस्कवर्ड किया गया इन साइड द जो कि डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे ना दुधवा रिजर्व से इसको रीडिस्कवर्ड किया गया है। सो ये जो रेयर ऑर्चिड स्पेसिस में जो कि स्पेसिमैन है इसका जो नाम है नॉन एज द इलोफिया ऑब्टूज। ओके, ये एक क्या है ना बियरिंग फ्रूट से सीड से गिविंग मोच ऑफ फॉर द पोलिनेशन एंड कैप्टिव ब्रीडिंग। सो इट मे बी रिकॉल दैट ए फ्यू वीक्स एगो ए टीम जो कि लीड बाय द फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक एंड द डेप्यूटी डायरेक्टर मनोज शंकर हैड स्पॉटेड दिस रेयर ऑर्चिड इन दुधवा कोर एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दिस डिस्कवर्ड वाज शेयर्ड विथ बांग्लादेश बेस्ड बोटानिस्ट मोहम्मद शरीफ हुसैन सौरभ हु इज करेंटली परसुइंग द रिसर्च वर्क ऑन वेरियस स्पीसीज ऑफ द ऑर्चिड्स इन द जर्मनी। ठीक है, ये जो डिस्कवर किया गया इसको शेयर किया गया जो कि बांग्लादेश का एक बोटनिस्ट है। ओके, सो जो कि अभी रिसेंटली जो कि रिसर्च कर रहे हैं ऑर्चिड के ऊपर जर्मनी में। सो दिस ऑर्चिड ये जो ऑर्चिड स्पेसीज है इज लिस्टेड क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड अकॉर्डिंग टू फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक रिसर्चर हुसैन हैड जो कि हैड रिक्वेस्टेड अस टू लुक फॉर द प्लांट व्हिच बियरिंग द फ्रूट एज ड्यूरिंग द रिसर्च इन बांग्लादेश शी वाज अनेबल टू फाइंड इवन वन विथ द फ्रूट्स। आफ्टर एन इंटेंसिव सर्च वी वर एबल टू लोकेट अ प्लांट व्हिच हैड बोथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। वी हैव कलेक्टेड अ स्पेसिमेन एंड इट इज ऑफर्ड फॉर जो कि द पाथ फॉर द रिसर्च ऑन दिस स्पेसिस। Pathak said Hussain hoped that Indian orchid researchers and botanists will conduct the studies on its seed germination as well as tissue culture from the ground underground for the future horticulture value and egg situs conservation. So that's all, thank you.